राख में मिल गया जागी आँखों का बादल। देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। क्या बात है जासिम, लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो, मैं जानती हूं कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। जहां से मैं जानती हूं कि तुम्हारे चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूं कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूं, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होके वापस आई। मरियम प्लीज, देखो देखो क्या, मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं जिंदगी की रियलिटीज में बिलीव करती हूँ। तुमने मुझे बता दिया कि तुम नेहा से मोहब्बत करते थे, और मैंने इस पर यकीन कर लिया, लेकिन तुम नेहा को कभी ना बता पाए कि तुम उसे चाहते हो। और ये भी रियलिटी है जासिम कि तुम्हारे बिखरे टूटे हुए वजूद को मैंने अपने पलकों से इकट्ठा किया, दिन रात करके मैंने तुम्हें समेटा। ये मेरा हक है जासिम, तुम्हारे दिल में कोई भी हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। मरियम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, और जिंदगी की इस हकीकत को मैं भी समझता हूँ। तुम ठीक कह रही हो, अगर तुम मुझे ना संभालती, मुझे सहारा ना देती, तो वाकई मैं तो शायद बिखर चुका होता, बल्कि खत्म ही हो गया होता। और तुम यकीन करो मरियम, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, इस मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ तुम्हारा। सिर्फ एहतराम? सच्ची बात यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ ना, वो मेरा एहतराम करता है, मेरे लिए बहुत है। देखो टाइम बहुत हो गया, पापा परेशान हो रहे होंगे, क्या सोचेंगे वो, अभी मंगनी है और दोनों बाहर निकल गए, वो भी इतनी देर के लिए। तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नेहा इंतजार कर रही होगी। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरा एहतराम नहीं करते, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो मेरे लिए मोहब्बत जरूर छुपी बैठी।
आखिर मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी। और देखो, मनवा ली ना अपनी बात, करवा ली मैंने मम्मी। तुम्हारे दिल ने सोचा होगा, हाय हाय चिपक ही गई है, चलो कर ही लेता हूं मैं मोहब्बत इस बेचारी से। फिर तुमने घूरना शुरू कर दिया। घूर नहीं रहा मरियम, बल्कि ये देख रहा हूं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं, तुम जैसी लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। आज जो तुमसे मंगनी की है ना, वो इसलिए की है कि तुम्हें बाकी कोई खास बात है। वाह वाह वाह, पैम्परिंग और खुशामद, वो भी मेरी, चक्कर क्या है बच्चू? अच्छा असल बात बताओ कि तुम यहाँ के क्यों रुके? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था मरियम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें नेहा का यहाँ आना और उसका मेरे पास ठहरना अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये बात तो सुनो, तुम जानती हो अच्छी तरह, सारी तफसील तुम्हें बताई है मैंने, कितनी तकलीफ में है, किन हालात से गुजर क्या है वो। इस वक्त दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके, और वो बदबख्त अफरा से आप जासन, बड़ी शर्म की बात है तुम इस किस्म की बातें वो भी मुझसे कर रहे हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी नैरो माइंडेड हो सकती हूँ? जासिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। ऐसे नहीं सोचते होते, तुम अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी अमानत में खयानत नहीं करोगे, तुम्हें ये भी मानूंगी कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, और मैं जानती हूँ कि नया मुश्किल में है, उसे सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, हम दोनों की। और तुमने सोच भी कैसे लिया, बल्कि बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं पापा से सब बात कर चुकी हूँ। अब प्लान ये है कि मैं नेहा से कहूँगी वो कपड़े डिज़ाइन करे, और पापा को कन्विंस करूँगी कि वो उसे स्पॉन्सर करे, बिकॉज मैं उसके साथ हूँ, और पूरे पाकिस्तान में उसकी एग्जीबिशन होगी, बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली भी। और लाजमी बात है जासिम, दुनिया में अगर उसका कोई नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त है तो कहाँ जाएगी, तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। अच्छा अब देर हो रही, मुझे चलना चाहिए। जर्द पत्ते सा ये दिल। ये संपोलिया है संपोलिया, इसे दूध नहीं पिलाना चाहिए था। खुदा के लिए ऐसा मत करो अपना सियाप, खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। इसकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी की इसने? नेहा को भगा के इसने अपनी मौत को आवाज दी। आज तक तुमने अफरासियाब को मोहब्बत करते देखा ना, लेकिन अब तुम अफरासियाब को नफरत करते हुए देखना, नफरत करते हुए। नहीं अफरासियाब, नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो अफरासियाब, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत कि आज तक जो किसी ने अफरासियाब के साथ नहीं किया वो ये दो टके का लड़का करेगा। तोहीन है अफरासियाब की, तोहीन है, और अफरासियाब अपनी तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जाओ। ये देखे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। अफरासियाब, मैंने बहुत मोहब्बत की आपसे, इस घर में आने के बाद जो आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, कभी आपकी हुकूमत उन्हें नहीं की, कभी एक बार भी नहीं। हटो, हटो। नहीं अफरासियाब,
जब तक मेरी गोली इसके सीने के पार नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हट जाओ। अफरासिया, मेरी मोहब्बत का तो कुछ ख्याल करे, कुछ भी है मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह किया है मैंने आपके साथ। अगर आप इतने नाराज हैं और किसी सूरत नहीं माफ कर सकते तो मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरे रेहान को कुछ मत करें। तलाक तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं नहीं दूंगा। बहुत तेज तर्रार औरत है तू, नेहा को भगाने में इसके साथ तू भी शरीक होगी। तेरे सारे खानदान को ये देखो अफरासिया, तुम्हें इस पाक किताब का वास्ता। कुछ भी है, हम अच्छे हैं बुरे हैं मगर मुसलमान हैं। मैं जानती हूँ आपके बुजुर्ग बहुत बड़े पीर थे। आपको इस किताब का वास्ता, मेरे रेहान की जान बख्श दे प्लीज। अफरासिया, आपने मुझे तलाक देनी है या घर से निकालना, जो चाहे करना आपकी मर्जी, लेकिन मेरे रेहान की जान बख्श दे प्लीज, मेरे बच्चे की जान प्लीज, प्लीज मेरे बच्चे की जान बख्श दे। दर्रेस, दर्रेस। जी साहब जी। नहीं अफरासिया, इन लोगों को घर से बात कर, दिमाग खराब हो गया तेरा, जो कह रहा हूँ वो कर, धक्के दे के घर से निकाल दे, और अगर यहाँ नजर आए तो गोली मार देना। नहीं अफरासिया, मेरी बात तो सुनो अफरासिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे हम? नहीं अफरासिया। पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहां हूं। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं।
क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं, बस आपने एक बात कही थी उसी का जवाब दिया। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता, और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मीन? अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसपे हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं, इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो, क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज फॉर गॉड सेक अब ये नाराजगी छोड़ो और दो मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मुईन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके बाबा, ये लो। चलो अब आगे खोलो। I knew that. आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानते हो। कितना खूबसूरत है ये, मैं जानती थी कि मेरे गले में बहुत सजेगा, और आप जानते हैं मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ वाकई नहीं थे, ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा जमा करके ये ले आया। थैंक यू मई, आप कितने अच्छे हैं। Really? आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेज एहसान है तो मैं भी मिसेज मुईन हूँ, किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मुईन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। Really? I love you, मुईन। I love you. I love you too, darling. I love you too. जर्द पत्ते सा ये दिल। But
तरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है, रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है, जर्द पत्ते सा ये